अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक वो मुसाफिर हूँ जो अपने मेहनत अपने काम की मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ता, और वो है मेरा खूबसूरत काम स्केचिंग। आर्टिस्ट की फील्ड से हूँ मैं, क्योंकि मैं फेसबुक में भी लगाता हूँ, यूट्यूब में भी, स्नैप वीडियो में भी लगाता हूँ। इसलिए जो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्लीज़ मेरी चीज़ें यूट्यूब में देख के, क्या स्नैक वीडियो में देख के, व्हाट्सएप में भी ऐड करें, क्योंकि मैं कभी भी गलत चीज़ों को बस मैं देख के रवैये चेक करता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है। मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले जो काफ़ी अच्छी बातें मैंने उनकी उनका रवैया समझे और सुने, उनसे मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। इसलिए मैं जो आर्टिस्ट जो होते हैं वो कभी भी खामोशी से आपकी चीज़ें नोट कर रहा होता है, ठीक है। जो मेरे भाई या बहनें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेट मारने से तो बेहतर है पहले बंदे को काउंसलिंग करें कि बंदे किस कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, वो काउंसल करें, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि तू बहुत अक्लमंद बंदा है, पीछे तेरे पास पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे एक एक चीज़ ऐसे पता चलती है जिस तरह ये चीज़ मेरे खुदा ने मुझे सिखाई है, ठीक है। और मैं आर्ट्स की फील्ड से हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ, चाहे अच्छी लगे। दुनिया के लोग आपको कहेंगे कि ये गुनाह है आर्ट्स की फील्ड। मेरा एक दोस्त है लाहौर का रिहायशी है, और उसने पाकिस्तान का नाम बैठे बैठे चंद चीज़ों से ही अपना नाम और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और मैं भी इंशाल्लाह इसी तरह रोशन करूँगा। मैं कभी हार नहीं मानता, अच्छी चीज़ों में कभी हार माननी मैंने सीखी ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह होगी फोटोग्राफी, मतलब कैमरे से तस्वीरें खींच के बनाना, फोटोशॉप, वीडियो गेम्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, कोई अच्छी स्केचिंग करना, जैसा मुझे शौक है खूबसूरत लड़कियों की स्केचिंग करने का, ठीक है। और उसके अलावा मुझे और कोई काम करना, क्योंकि मुझे स्केचिंग का काम, मैं एक चीज़ मैं बताऊं, ये नशा है मेरा। स्केचिंग का काम जितना भी करूं, लोग कहते हैं ना, लेकिन मुझे, और जिन नशे की लोग बात करते हैं ना, अपने काम में नशा लाओ, छोड़ दो ये, क्योंकि कहते हैं ना हम फालतू कर। अब मैं, मेरा जो बंदा कहता है ना कि ये किस तरह का नशा है, जिस चीज़ में मोहब्बत हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ को देखता हूँ ना, देख के नोट कर रहा होता हूँ, पेशे मैं बोलूँ ना, लेकिन मैं अपने कान से और दिमाग से नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, नोट कर रहा होता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा आर्ट्स की फील्ड मेरी नशा है। नशा मतलब इस तरह कि मैं किसी की पिक्चर बना रहा हूँ, ये बनाना ही एक, ये अपना काम में नशा समझूँ, क्योंकि मुझे खूबसूरत पिक्चर्स, स्केचिंग, पेंटिंग्स, इन चीज़ों को बनाना, इन थीम की पोर्ट्रेट। मेरा एक दोस्त है और वो काम इंडिया से स्टार्ट हुआ है, कीलों का, कीलों से भी तस्वीरें बनाते हैं। मेरा दोस्त है अली अहमद, ठीक है, अली अहमद, ठीक है, वो मैं क्लास फेलो था लाहौर अलहमरा का, ठीक है। जो चीज़ें मैंने उसमें नोट की हैं, यही बात होती है, साइंटिस्ट जो होते हैं ना दिमाग से होते हैं। अच्छे काम के नशे रखोगे तो कभी भी लोग तुम्हें गलत कभी भी नहीं कहेंगे। एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने मुझे एक बात की, मैंने बहुत अपने अंदर
कॉन्फिडेंस रखा। उसने मुझे कहा कि यार हमने आपको नोट किया है, आप ज़्यादा हर बात को ना आप अच्छी तरह समझते हो और उसको सर्च करते हो, हर जबान को, उसकी लैंग्वेज को सर्च करते हो कि ये क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं आर्टिस्ट की फील्ड से हूँ और दुनिया इधर उधर हो रही, मैं एक बात हमेशा याद रखूँ, तो मैं लोग सब पसंद करेंगे कि खामोशी में हर चीज़ को नोट करो, समझो। ठीक है, ये मैं सब एंकर्स, एक्टर, सब लोगों को समझाऊँ। सलमान खान में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी सलमान खान की, कि सलमान खान कभी भी गलत चीज़ों में आने की ज़रूरत भी नहीं है हमें ना, हम क्योंकि हमें हमारा हम अपने यकीन अपने मजहब पे रखते हैं। आज अगर अपने मजहब का यकीन रखोगे, ये समझो तुम अपने घर वालों पे यकीन रखोगे। ठीक है, अपने मजहब पे यकीन रखो और हर मजहब की इज्जत करो। सच्ची बात में क्या है, मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम सलमान खान हो। नहीं, मैं सलमान खान नहीं हूँ, हर बंदे ने एक जैसी कैटेगरी, अल्लाह ने हर तरीके का एक एक अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड बनाया होता है बंदे को। कभी भी हार ना मानो, अच्छे काम में कभी हार मानो ही ना। अब जिस तरह मुझे वेबसाइट, फोटो एडिटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, वेबसाइट्स, इन चीज़ों में मुझे करने का शौक है और इन्हीं चीज़ों का तो मुझे नशा है। नशा क्या, पेंटिंग, स्केचिंग, वेबसाइट, फोटोग्राफी, इन चीज़ों का खुला नशा। एक चीज़ को मैं देखता हूँ ना, ये भी एक मेरा नशा है, समझता हूँ ये भी एक नशा है मेरा। मैं कभी भी, मेरा नशा तब छूटता है जब मैं इन चीज़ों को देख के समझता नहीं हूँ, ये मेरा खुला नशा है। ठीक है, दुनिया तो समझती है कि यार ये हमें देख के क्या चीज़ ऐसे सर्च करता है। ठीक है, एक चीज़ मैं हमेशा कह दूँ कि दुनिया में जितना देखोगे उतना तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हर रिजल्ट में लोगों ने तो बातें आपको कहनी है, क्या इधर से कहो या उधर से, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर सच्चे इंसान हो ना तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, अपनी सोचों में गुम रहो, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। बंदे से बोलो मीठे इखलाक से, मतलब खूबसूरती के लिहाज से, ठीक है, थोड़ा इन्जॉयमेंट के तरीके से बातचीत करो, क्योंकि लोग तुम्हें फिर एक अच्छे तरीके से एक एक अच्छा इंसान समझेंगे। अब क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ और कहीं भी, वहाँ के एक फोटोग्राफर है, लेक्यू पार्क, आपने सुना ही होगा। लेक्यू पार्क में बैठ के मैं दरख्त के नीचे, एक पेड़ वाली जगह है लेक्यू पार्क में, उधर बैठ के मैं स्केच की प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक मेरी नानी अम्मा ने मुझे बात समझाई कि यार तुम जितना, मैं ये चीज़ बताऊँ कि मैं लड़कियों के बीच में कभी भी नहीं आता, जो मर्जी बोल रही हो, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगता है जब लड़की के बारे में गलत बात हो रही हो, क्योंकि आज अगर गलती से तुम बुरा मान रहे हो लड़की की, जाहिर है अगर तुम किसी की माँ बहन की बुरी बात करोगे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो माँ बहन तुम्हारी भी होगी, इसलिए सोच समझ के बोलो, हर काम में सोच समझ के बोलो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं कभी भी मुश्किलों से सीखता हूँ, मैं कभी भी किसी के कहने से नहीं सीखता, जो बंदा कहने से सीखता है ना वो सबसे बड़ा, जो कहता है ना, जो असल में सीखना है ना अपने आप को इस्तेमाल करके सीखो। ठीक है, उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं। मुझे खूबसूरत खूबसूरत स्केच बनाने का शौक है, वो भी ख़ास तौर में लड़कियों की, लड़कियों की स्केच बनाने का शौक है, क्योंकि लड़कियां मेरे लिए एक इज्जत है,
लड़कियों की, मैं इसलिए मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें इसलिए बनाता हूँ क्योंकि लड़कियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आज 1,000 लड़कियाँ मुझे मुझे काफ़ी दुकान वाले कहते हैं कि लड़की, कहते हैं ये पागल है, ये पैसे नहीं देता, ये नहीं करता। मेरी यार मर्जी, मैं पैसे दूँ या ना दूँ, उनको क्या चाहिए? क्या अगर उन्होंने कोई मुझसे कोई काम की बात करनी है तो करें, मैं गलत बातों में और आधे से ज़्यादा मैं बताऊँ, मुझे अपने काम में नशा है, मुझे अपने पुठी सोचों में नशा नहीं है, ठीक है। मैं सिगरेट और इन चीज़ों का मुझे शौक ही नहीं है, मुझे एक चीज़ का शौक है, खूबसूरत स्केचेस बनाने में और स्टैचू बनाने में, ठीक है। उससे ज़्यादा नशा था मुझे एयरफोर्स का। बचपन में मैं बेशक एक सोचता था एक साइंटिस्ट की तरह। हर बंदा मुझे कहता है कि यार तेरी बातें ऐसे घूम जाती हैं दिमाग से कि ऐसे लगता है जिस तरह एक उकाब हवा में घूम जाते। इतना समझो, अपने आप को भी इतना कामयाब इंसान बना के छोड़ो। मैं सब बहनों और भाइयों को ये प्रेजेंट करता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान से हूँ, कोई भी मज़हब से हो, मेरी बात अच्छी तरह सोचे और समझे, कभी परेशान ना हो। जितना अपने आप को परेशान करोगे, कसम से मैं कह रहा हूँ, आज मेरी अम्मी नानी अम्मा नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, अच्छे काम में कभी हार नहीं मानी। मैंने चाहे मेरी आज लड़ाई भी कर रहा, मुझे 1,000 लोग कहते हैं कि ये बंदा है किस कैटेगरी का बंदा है, मैं एक बात बताऊं, मैं अच्छे इखलाक का, अच्छे रवैये का। कोई मुझे गाली दे भी रहा होता है, मैं उसकी सिर्फ गाली सुनता हूँ, फिर उससे मैं बात नहीं करता, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमें अपने मेयार को समझना चाहिए, हर बंदे को जज करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। देखना और सुनने से बहुत कुछ सीखने के तरीके मिलेंगे, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड, जो भी ये यूट्यूब में तरीके बताते हैं बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊँ यूट्यूब पे इतने अच्छे तरीके हैं कि आप लोग क्या क्या तरीके नेट से सीख सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको नेट ही ना कामयाब की रास्ते दिखाए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, और कुछ बातें अच्छी लगे ज़रूर लाइक एंड कमेंट, और किसी लोगों को मेरा व्हाट्सएप, जिस तरह लड़कियाँ, मैं लड़कियों को अपनी बहन मानता हूँ, ठीक है, लड़कों को मैं अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि चाहे मैं नाराज़ उससे होता हूँ जब कोई गलत बात हो रही हो, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मेरे अंदर एक आदत है फौजियों वाली, कि फौजी बेशक उसे कुछ कह भी रहे हो ना मार भी रहे हो, लेकिन फौजी नहीं है जाहिर करवाता, मेरी आदत भी ऐसी है। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जो मर्जी बकवास करता रहे, मैं अपने काम से कभी हिलता नहीं हूँ, ना मुझे हिलने की ज़रूरत है। मुझे शौक़ है ज़्यादा म्यूज़िक, आर्ट्स, स्केचिंग, पेंटिंग, वेबसाइट, कैमरा मेकिंग, इन चीज़ों का शौक़ है, और इनमें इतना घूर घूर के नशा भरा हुआ है ना कि मैं ये जितना काम करूँ मेरा सुकून का नशा, ये काम इतना मज़े का नशा, ये अपने काम में नशा लाऊँ, जिस तरह मुझे पेंटिंग, स्केचिंग, ये इतना अच्छा नशा है ना, सिंगिंग, डांसिंग, इतना खूबसूरत नशा है कि आप बता नहीं सकते, ठीक है।